प्यारे मित्रों नमस्कार, आपका हमारे इस वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 केमिस्ट्री में आगे बढ़ते हुए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आ पहुंचे हैं। आज का हमारा टॉपिक है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कास्टिक सोडा भी कहा जाता है, बनाने की विधि, गुण एवं उपयोग को समझेंगे। हमारा टॉपिक है सोडियम हाइड्रोक्साइड अथवा कास्टिक सोडा NaOH बनाने की विधि, गुण एवं उपयोग को सीखेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक अगर बने रहें तो मैं आपको पूरे विश्वास दिला सकता हूं कि आपको बिना मेहनत के यह आ जाएगा। सो प्लीज आप वीडियो के अंत तक शांतिपूर्वक जरूर देखें। तो देखिए प्यारे मित्रों, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए सुनिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब मैं कास्टिक सोडा का प्रयोग करूंगा तो कास्टिक सोडा क्लोर एल्कली विधि द्वारा बनाया जाता है। कास्टिक सोडा किस विधि द्वारा बनाया जाता है? क्लोर एल्कली विधि द्वारा बनाया जाता है। अभी आप फिर बिल्कुल भी ना नोट करेंगे, अभी इसमें मैं कुछ बातें बताऊंगा, एक बार मैं बोल दूंगा और आप वीडियो को पॉज करके उसी वक्त लिखिएगा फिर, ठीक है? तो आइए, क्योंकि अभी इधर अभिक्रियाओं को पूरा कराना है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अथवा कास्टिक सोडा किस विधि के द्वारा बनाया जाता है? तो कास्टिक सोडा क्लोर एल्कली विधि के द्वारा बनाया जाता है। प्यारे मित्रों, क्लोर एल्कली मतलब है क्लोरीन एवं एल्कली, और एल्कली का मतलब है क्षार, क्षार का मतलब है भस्म, मतलब क्लोरीन और भस्म विधि के द्वारा बनाया जाता है। सीधा सीधा कहें कि वह ऐसी अभिक्रिया जिससे क्लोरीन और भस्म दोनों प्राप्त हो, उस विधि के द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा बनाया जाता है। फिर से समझे, क्लोर एल्कली, क्लोर का मतलब क्लोरीन और एल्कली का मतलब होता है क्षार, एल्कली का मतलब क्षार, क्षार का तात्पर्य भस्म से है, ठीक है? ये जरूर आप याद रखेंगे। तो आइए हम लोग क्लोर एल्कली विधि को समझते हैं, बहुत सिंपल है, ध्यान पूर्वक समझेंगे। क्लोर एल्कली विधि क्या है जिससे हम लोग कास्टिक सोडा बनाते हैं? तो इस विधि में, मतलब क्लोर एल्कली विधि में संतृप्त सोडियम क्लोराइड, देखिए संतृप्त सोडियम क्लोराइड, संतृप्त कहने का तात्पर्य आप थोड़ा सा रहने दें, संतृप्त का मतलब होता है जो सिंगल बॉन्ड से बंधे होता है, तो बिल्कुल NaCl जो एक बॉन्ड से बना होता है। तो आइए, इस विधि में, मतलब क्लोर एल्कली विधि में संतृप्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, ध्यान से समझिएगा, मतलब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड मतलब नमक, नमक को जल में घोल दीजिए, वही उसका घोल हो गया। तो जब घुला हुआ नमक होगा, यानी पानी में जो नमक घुला होगा उसके विलयन में, तो इस विधि में संतृप्त सोडियम क्लोराइड NaCl के जलीय विलयन में विद्युत अपघटन कराने से, मतलब मान लीजिए कि जल में नमक घोला गया है, उसको में विद्युत अपघटन मतलब विद्युत डाल देना है, बिजली प्रवाहित करना है, और अपघटन का मतलब तोड़ना है। तो आप सोचिए, जब नमक को हम लोग पानी में घोले तो वह नमक घुल गया कि नहीं घुल गया? घुल गया। तो रसायन में उसका तात्पर्य है कि घुलने का मतलब वह जिस जिस अवयवों से बना था उसको में वह बट गया, ठीक है? तो नमक जो था सोडियम और क्लोरीन से बना था, इसलिए वह सोडियम और क्लोरीन में उसके आयन में बदल गया। आइए फिर से समझते हैं। तो इस विधि में सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत अपघटन कराने से, सुनिएगा, विलयन में मतलब उस घोल में Na+ एवं Cl आयन विद्यमान होते हैं। प्यारे मित्रों, अब आप थोड़ा ध्यान दें कि जब हमने कहा कि NaCl को तोड़ दिए, तो आप खुद ही सोचिए, ये अलग अलग टूट गया तो Na+ और Cl- माइनस न बन जाएगा, क्योंकि यह क्यों बने थे? क्योंकि क्लोरीन एक अपना संयोजकता पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लिया था और सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दिया था, तब ये बने थे, और नहीं है, अलग अलग हो गए तो फिर अपना अपना लेके अलग हो गए, ठीक है? जब सोडियम क्लोराइड को, सुनिएगा ध्यान से, तो जलीय विलयन में विद्युत अपघटन कराने से विलयन में Na+ एवं Cl आयन विद्यमान हो जाते हैं, मतलब उस विलयन में क्या सोडियम आयन और क्लोरीन आयन आ जाते हैं, सोडियम आयन एवं क्लोरीन आयन आ जाते हैं, सोडियम एवं क्लोरीन आयन विद्यमान होते हैं, ठीक है? सोडियम एवं क्लोरीन आयन विद्यमान होते हैं। अब ध्यान समझिएगा, अभी तक हमने क्या परिभाषा कहा कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में यानी नमक के घोल में विद्युत अपघटन कराने से, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करने से, मतलब विद्युत के द्वारा तोड़ने से विलयन में उसी घोल में Na+ एवं Cl आयन विद्यमान हो जाते हैं, मतलब टूटेगा तो अलग अलग बन जाएगा। अब क्या होता है, क्लोरीन आयन, ध्यान दीजिएगा, कौन? क्लोरीन आयन ऑक्सीकृत होकर क्या
ऑक्सीकृत। प्यारे मित्रों, ऑक्सीकृत के मतलब हम आपको पढ़ा चुके हैं रेडॉक्स अभिक्रिया में, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर लेना आपको याद होना चाहिए। क्लोरीन आयन मतलब क्लोराइड आयन ऑक्सीकृत होकर एनोड पर क्लोरीन गैस में परिवर्तित हो जाता है। प्यारे मित्रों ध्यान दें, क्लोरीन आयन जो होता है वह एनोड पर जाकर के इलेक्ट्रॉन लेकर के क्लोरीन गैस में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? क्लोरीन गैस में बदल जाता है। जबकि सोडियम आयन कैथोड पर, ध्यान देने योग बात है, सोडियम धातु, सोडियम आयन किस पर बदल रहा है? कैथोड पर। सोडियम धातु में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? सोडियम धातु में बदल जाता है। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि जब हम लोग सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस विलयन में Na प्लस एवं Cl आयन उपस्थित हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या करता है कि जो क्लोरीन आयन होता है वह एनोड पर क्या? ऑक्सीकृत होकर क्लोरीन गैस में बदल जाता है। जबकि सोडियम आयन जो होता है कैथोड पर सोडियम धातु में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तत्पश्चात उसके बाद क्या होता है? उसके बाद यह होता है कि सोडियम धातु, देखो सोडियम धातु जल से अभिक्रिया कर लेता है। फिर सुनिए, अब सोडियम कहता है कि हम जल में मिलेंगे, सोडियम धातु जल से अभिक्रिया कर लेता है और कास्टिक सोडा बना लेता है। तो प्यारे मित्रों आशा करते हैं आप एक बार फिर से परिभाषा पर आइए। हमने कहा, देखिए अब आप इस विधि के द्वारा भी समझ सकते हैं। सर्वप्रथम हमने सोडियम क्लोराइड लिया, क्या लिया? सोडियम क्लोराइड, इसको जल में घोल दिया, जल में घोल दिया। अब उसको मैं क्या किया? विद्युत अपघटन कराया, तो वह Na प्लस और Cl माइनस में बदलेगा, ये आप जानते हैं। तो पहला स्टेप तो हमारा यही था, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत अपघटन कराने से विलयन में Na प्लस और Cl माइनस आ जाता है। देखिए हम यहाँ तक कराने से विलयन में Na प्लस और Cl आयन विद्यमान होते हैं। रटिए नहीं, आप इसको खाली कॉपी करिए, आपको सब गारंटी आएगा, मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ। अब हमने कहा कि क्लोरीन आयन ऑक्सीकृत होकर, देखिए फिर क्लोरीन आयन, यहाँ से क्लोरीन आयन को उठा लिया, ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ से क्लोरीन आयन को उठा लिया, ऑक्सीकृत होकर, ऑक्सीकृत का मतलब इलेक्ट्रॉन लेकर एनोड पर क्लोरीन गैस में बदल जाता है। तो इसको आप क्लोरीन गैस में बना दीजिए, क्या बना दीजिए? क्लोरीन गैस Cl2 से, लेकिन ऑक्सीकृत होने के मतलब इलेक्ट्रॉन लिया, तो क्लोरीन आयन कै गो इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन गैस तो डबल से लिखा है तो Cl2 यानी कै इलेक्ट्रॉन लिया होगा? दो गो। ठीक है, अब इधर भी कह देना होगा, दो देना होगा। ठीक है, कैथोड पर कि एनोड पर? तो यह क्रिया हुआ एनोड पर। ठीक है, ध्यान देंगे। अब उसके बाद कहता है जबकि सोडियम आयन, फिर अब इस बाबू साहब को उठा लीजिए Na प्लस को, तो देखिए हमने Na प्लस को उठा लिया और यह क्या बदल जाता है? सोडियम धातु में बदल जाता है। किसमें? सोडियम धातु में। अब आप सोचिए, इसका दो अणु, क्लोरीन का दो अणु परमाणु प्राप्त हो तो सोडियम के भी दो परमाणु प्राप्त होगा, तो यहाँ भी कह देना होगा दो। और यह कहाँ क्रिया होता है? अच्छा, यह इलेक्ट्रॉन त्याग किया होगा कि ग्रहण? तो सोडियम इलेक्ट्रॉन को क्या किया होगा? त्याग किया होगा। ठीक है, आप ही देखिए, सोडियम दो इलेक्ट्रॉन त्याग करके सोडियम धातु बना और क्लोरीन आयन दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोरीन गैस बना। ठीक है, इस तरह से। तो यह किसकी, यह कहाँ होता है? तो यह कैथोड पर होता है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखना होगा, क्या कि क्लोरीन गैस कहाँ मुक्त होता है? तो एनोड पर। सोडियम धातु कहाँ प्रयुक्त होता है? तो कैथोड पर। या सभी धातु कैथोड पर मुक्त होते हैं, ये बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा अब आगे हम लोग चलते हैं। आगे कहता है कि अब जो सोडियम धातु है ना, से जल से अभिक्रिया करेगा तो सोडियम मानेगा नहीं, कहेगा कि हमको ले चलो, कहाँ ले चलो? जल में डुबाओ। किसको में डुबाओ? जल में। तो देखिए मित्रों, हमने इसको सोडियम धातु को कहा कि तुमको हम जरूर खुश रखेंगे, उठा के लाए और जल में डुबा दे, तो डूब जाओ। तो सोडियम धातु को जल में डुबा देंगे तो हम जान रहे कि ओ इतना खुश ना हो, कास्टिक सोडा तो बनावेला है, तो एक में से कास्टिक सोडा निकाल लो। मित्रों हमने कास्टिक सोडा NaOH निकाल लिया। बोलिए आप नहीं निकाल सकते हैं क्या? बेशक आप निकाल सकते हैं, ध्यान दीजिए, NaOH हमने निकाल लिया। तो NaOH निकाल लिया, सोडियम दो गो है, तो यहाँ भी हमको कै गो करेगा? दो गो। अभी दो गो था तो अब हालत यह हो गया कि ऑक्सीजन भी यहाँ दो गो हो गया, तो मित्रों आपको यहाँ भी ऑक्सीजन कै गो बनाना पड़ेगा? दो गो बनाना पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं क्या शेष बचा भाई। तो सोडियम दो गो तो कम्प्लीटली आ गया, ऑक्सीजन भी यहाँ दो गो चला आया है, H भी चला आया है, लेकिन हाइड्रोजन, यहाँ देखिए हाइड्रोजन चार है, हाइड्रोजन दो है, तो बच गया अलग में क्या? हाइड्रोजन
गैस बच गया। क्या? हाइड्रोजन गैस बच गया। अब आप समझिए परिभाषा, पुनः से हम लोग चलते हैं। देखिए यह सोडियम कास्टिक सोडा है, आप यहाँ लिख ले, शायद आपको दिखाई दे रहा हो तो मैं लिख दे रहा हूँ कास्टिक सोडा। मित्रों अब हम लोग परिभाषा कैसे बोलेंगे, तो यहाँ से बोलेंगे। देखिए अभी आप चाहे तो यहाँ पर रोक करके आप फिर बना सकते हैं, मैं बोल देता हूँ, चाहे तो आप इस कंडीशन पर रुक करके आप फिर बना सकते हैं। यहाँ आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर बना लीजिए। आइए परिभाषा पर हम लोग चलते हैं। देखिए प्यारे मित्रों पावर चला गया है, थोड़ा ध्यान पूर्वक आप इसको समझें। देखिए हमने कहा सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत अपघटन कराने से यह Na+ और Cl आयन में विभक्त हो जाता है, क्लोरीन विभक्त हो जाता है, पुनः आयन विद्वान होते हैं। क्लोरीन आयन, क्लोरीन आयन क्या होता है, ऑक्सीकृत होकर एनोड पर क्लोरीन गैस में बदल जाता है, जबकि सोडियम आयन, ठीक है, सोडियम धातु में बदल जाता है और यह क्रिया कैथोड पर होता है। पुनः सोडियम धातु जल से अभिक्रिया कर कास्टिक सोडा बना लेता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देता है। तो यह आप जरूर ध्यान पूर्वक समझ पाए होंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ और बातें आपके लिए समझाते हैं। कहता है इस अभिक्रिया से, सुनिएगा, इस अभिक्रिया से क्लोरीन गैस, क्या, Cl2 गैस, क्लोरीन गैस एवं एलकली, एलकली का मतलब क्षार की प्राप्ति होता है। ध्यान दीजिएगा, इस अभिक्रिया से मतलब क्लोर अल्केली विधि में हम लोगों ने क्या देखा कि क्लोरीन गैस भी प्राप्त हुआ और भस्म यानी क्षार भी प्राप्त हुआ, प्राप्त होता है, जिससे यह विधि क्लोर अल्केली अभिक्रिया कहलाता है, जिससे यह विधि क्या कहलाता है, क्लोर अल्केली अभिक्रिया कहलाता है। तो क्लोर अल्केली अभिक्रिया क्यों कहलाता है, क्योंकि इस अभिक्रिया से क्लोरीन गैस एवं क्षार धातु की प्राप्ति होता है, जिससे यह विधि क्लोर अल्केली अभिक्रिया कहलाता है। नोट, ध्यान देंगे, इस अभिक्रिया से प्राप्त, देखिएगा इस अभिक्रिया से क्या प्राप्त हुआ, हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुआ, कास्टिक सोडा प्राप्त हुआ और क्लोरीन गैस प्राप्त हुआ और सोडियम धातु की प्राप्ति होती है। तो सोडियम धातु तो पुनः जल से अभिक्रिया कर लेता है, तो इससे मिला क्या क्या चीज, क्लोरीन गैस, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो इस अभिक्रिया से प्राप्त हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस और कास्टिक सोडा काफी उपयोगी होता है। मित्रों आप अगर रटने पर जाओगे तो आपके लिए काफी कष्टदायी हो जाएगा, लेकिन अगर आप कहीं सीखने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए मैं विश्वास दिलाता हूँ काफी सिंपल होगा। सो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप बहुत अच्छे ढंग से इसकी तैयारी करें। अब हम लोग इसका उपयोग को देखेंगे, भौतिक एवं रासायनिक गुण को देखेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। तो फिर से मैं आपको बता दूं, तो क्लोर अल्कली विधि में किसकी किसकी प्राप्ति होता है, क्लोरीन गैस की, ठीक है, हाइड्रोजन गैस की और कास्टिक सोडा की। क्लोर अल्कली अभिक्रिया को क्लोर अल्कली अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस विधि से क्लोरीन और क्षार अल्कली कास्टिक सोडा जो क्षार है उसकी प्राप्ति होता है इस वजह से। तो आइए अब एक आगे की वीडियो बना करके इसका मैं आपको गुण उपयोग इसी में लिख देता हूं, ताकि वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो, दो वीडियो आप देख नहीं पाते हैं। प्यारे मित्रों हम लोगों ने देखा कि क्लोर अल्कली विधि के द्वारा जो हम लोग कास्टिक सोडा बनाए, तो कास्टिक सोडा के साथ साथ हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस की भी प्राप्ति हुआ, हालांकि सोडियम धातु की भी प्राप्ति हुआ, परंतु वह पुनः जल में मिलकर के कास्टिक सोडा बन गया था। तो पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि या तो मेरी कहना एक बार मेरी कहे हुए बातों पर कृपया ध्यान दें, या तो पहले आप इसे फेयर कर लें। अगर फेयर करना है तो स्टॉप करके वीडियो को पहले से लिख लें, फिर तत्पश्चात हमारी बातों को केवल आप ध्यान पूर्वक सुने। सर्वप्रथम हम लोग को सुनना यह है कि जो हम लोगों ने क्लोर अल्कली विधि पढ़ा, उसको मैं आपको ध्यान देने योग्य बात यह है कि सोडियम कास्टिक सोडा बनाने की विधि क्लोर अल्कली विधि है। क्लोर अल्कली विधि में विद्युत अपघटन कराया जाता है, सोडियम क्लोराइड को जल में घोला जाता है, तो Na+ और Cl- आयन प्राप्त होते हैं, उसके पश्चात Cl एनोड पर क्लोरीन एनोड पर जाके क्लोरीन गैस में बदल जाता है, सोडियम धातु कैथोड पर सोडियम आयन धातु में बदल जाता है, सोडियम आयन कैथोड पर जाकर के सोडियम धातु में बदल जाता है, पुनः सोडियम धातु जल से अभिक्रिया करके कास्टिक सोडा बना लेता है, परंतु इसके बाद हमको कास्टिक सोडा हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस बच जाते हैं जो काफी उपयोगी होते हैं। और अगला हमने कहा कि इस अभिक्रिया के द्वारा क्लोरीन और एल्कली मतलब क्षार कास्टिक सोडा बचा,
जिसके कारण इस अभिक्रिया को क्लोरोअल्कली अभिक्रिया कहा जाता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हो, कास्टिक सोडा का उपयोग, हाइड्रोजन गैस का उपयोग, क्लोरीन गैस का उपयोग आपके लिए लिख रखे हैं। तो कास्टिक सोडा का उपयोग साबुन एवं अपमार्जक बनाने में, अपमार्जक यानी सरफ, डिटर्जेंट बनाने में, दूसरा कागज बनाने में, याद रखेंगे कास्टिक सोडा का उपयोग कहां कहां उपयोग होता है, साबुन एवं अपमार्जक बनाने में, कागज बनाने में, प्रयोगशाला में अभिक्रमक रिएजेंट मतलब किसी चीज में मिलाने में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे हाइड्रोजन गैस का उपयोग, याद रखेंगे अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किसका प्रयोग होता है, तो हाइड्रोजन गैस का। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किसका प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोजन गैस का। वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में, मतलब जो बाजार में बिकता है कृत्रिम घी, जो मतलब कहने का मतलब जो पशुओं का घी ना हो, गाय का घी नहीं हो, जो कृत्रिम घी हो, जो मनुष्य बना रहा हो कृत्रिम घी, तो हाँ माफ करिए, मतलब वनस्पति तेल से, जो तेल से घी बिकता हो, बन रहा हो, उसको कृत्रिम घी बनाने में किसका, हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन गैस का उपयोग कागज एवं कपड़ा को व्यंजित करने में, व्यंजित मतलब रंगहीन बनाने में, रंगहीन रंग को उड़ाने में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। कागज एवं कपड़ा को कीटाणुनाशक के कारण पेयजल को शुद्ध करने में, दुनिया सुनिए, कीटाणुनाशक जो क्लोरीन गैस व कीटाणुओं को मारने में सहायक है, जिससे इसका उपयोग पेयजल को शुद्धिकरण में, सोचिए बड़े बड़े शहरों में चापाकल की जल नहीं मिलता है पीने के लिए, वहां नदियों को पानी को शुद्धिकरण किया जाता है, ठीक है, बीओडी और सीओडी के माध्यम के, बीओडी एवं सीओडी के द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो इसको बारे में आगे पढ़ना है, लेकिन अभी समझ सकते हैं कि जिसका उपयोग पेयजल को, मतलब कीटाणुनाशक के कारण पेयजल को शुद्ध करने में, क्लोरीन गैस है जो कीटाणुनाशक कीटाणुओं को मारता है, जिसके कारण इसका उपयोग जल को शुद्धिकरण में किया जाता है, ठीक है। अगला है व्यंजक चूर्ण और क्लोरोफॉर्म बनाने में, व्यंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, उसके उपयोग में आता है क्लोरीन गैस, ठीक है, बनाने में। तो कास्टिक सोडा का भौतिक गुण, हमने कास्टिक सोडा का भौतिक गुण को लिख रखा है, यह एक प्रबल भस्म है, आपको पता है कि यह एक भस्म अथवा क्षार है, भस्म है तो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देगा, नीला कर देता है। तो आशा करते हैं कि आपके लिए यह वीडियो जरूर हेल्पफुल मददगार होगा। वीडियो बड़ा होने से तात्पर्य नहीं है, आपको सीखने से मतलब है, और आप तब सीख पाएगा जब हमारी बातों को कृपया ध्यान पूर्वक समझें, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। आशा करते हैं कि आपको ये सारी बातें समझ में आया होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज लाइक कर दें, शेयर करना ना भूले, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो अब मैं इस वीडियो के माध्यम से एक ऑब्जेक्टिव सवाल पूछता हूँ, जिसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आज का हमारा सवाल है, निम्नलिखित में से एक उत्तम कीटाणुनाशक है, निम्नलिखित में से एक उत्तम कीटाणुनाशक है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन गैस या सभी। तो आप अपना उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें, हमें आपके उत्तर का इंतजार रहेगा, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, खूब पढ़िए और खूब आगे बढ़िए। जय हिंद।